आखिरकार अभिमन्यु बनकर कैसे चक्रव्यूह में फंसे राजनीति के कप्तान, आज की इस पेशकश में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूँ आपका सिटीबिक न्यूज पर। भाई वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। दरअसल चुनावी माहौल में कवि शैलेंद्र सिंह पिंटू की ये पंक्तियां सुनकर राजनीति के कप्तान व चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तस्वीर जहन में आ जाती है। इस चक्रव्यूह को रचने वाले दूसरे दलों के नेता ही नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता भी हैं। बता दें कि साल 2014 में अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी कर्म भूमि रोहतक लोकसभा सीट को छोड़कर नारनौंद विधानसभा को चुना था, तो भाजपा के दिग्गजों ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया। खुद अमित शाह ने नारनौंद की एक रैली में कहा था कि कैप्टन साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इशारा साफ था कि कैप्टन साहब को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैप्टन की योग्यता के आधार पर उम्मीद भी यही थी कि भाजपा सिविल सर्विसेज पास कर चुके शिक्षित और अनुशासित फौजी कैप्टन अभिमन्यु को सीएम बनाएगी। भाजपा की दिग्गज नेत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी उनको हरियाणा का कैप्टन यानी सीधे तौर पर सीएम करार दिया था। उनके प्रचार में आने वाले तमाम दिग्गज उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। बहरहाल कैप्टन ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, नारनौंद की जनता का पूरा साथ भी मिला। लेकिन अक्टूबर 2014 में जब हरियाणा में भाजपा की 46 सीटों वाली सरकार बनी तो उनके साथ खेला हो गया। पहली बोल पर उनको आउट कर सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया गया। अगली बोल पर कैप्टन साहब को वित्त मंत्री की कांटों वाली कुर्सी देकर फंसाने का प्रयास किया। नारनौंद की जनता ने इसे अपने साथ हुआ धोखा माना, लेकिन मन समझाते हुए कप्तान ने पद स्वीकार कर नारनौंद के लिए योजनाएं बनानी शुरू की तो विरोधियों को ये भी हजम नहीं हुआ। कैप्टन का अधिकतर समय दिल्ली चंडीगढ़ में ही बीत रहा था। कैप्टन के पास समय की कमी को पार्टी के अंदर और बाहर के कुछ अपने ही लोगों ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कैप्टन की छवि को धूमिल करने के लिए नारनौंद में कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई। छोटे छोटे मामलों में भी उनका नाम घसीटा जाने लगा। एक तरफ कैप्टन अपने हलके में बड़े उद्योग व अन्य बड़ी परियोजनाएं लाने के लिए जुटे रहे और दूसरी तरफ खुद भाजपा के दिग्गज उन्हें नारनौंद में ही मात देने का षड्यंत्र रचने लगे। कैप्टन की चुनावी रैली में भी चाबी ताले का इशारा किया गया। जनता को भ्रम जाल में डालकर कप्तान को 2019 के विधानसभा चुनाव में हरवा दिया गया। पर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो उसके बाद भी कप्तान की राजनीति को खत्म करने की खातिर नारनौंद के लिए बनाए गए उनके प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। नारनौंद से जजपा विधायक बने दादा रामकुमार गौतम से लेकर जजपा के अन्य नेताओं से कैप्टन अभिमन्यु के बारे में कई बार बेतुकी बयानबाजी करवाई गई और तो और एक एक कर नारनौंद के लिए प्रस्तावित किए गए कई काम बंद करवा दिए गए। कैप्टन अभिमन्यु को जब 2020 में प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात आई तो खुद को भाजपा से बड़ा मानने वाले दिग्गज नेता ने कैप्टन को प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसके लिए तमाम तरह के जाल बिछाए गए, उनके खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई, कई तरह के भ्रामक प्रचार कराए गए और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिलने से पहले ही छीन ली गई। इसके बाद दो बार कैप्टन अभिमन्यु को राज्यसभा सांसद बनाने का मौका आया तो फिर से वही कहानी दोहराई गई। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी को अपने इशारों पर चला रहे दिग्गज नेता ने एक बार फिर से कैप्टन की राह रोकी और उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाने से रोकने के लिए ओबीसी का कार्ड चल दिया और यूं साल 2023 में उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के दूसरे मौके को भी छीन लिया गया। इस साल लोकसभा चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु को पार्टी हाईकमान ने टिकट पक्का कर मैदान में भेज दिया था। कैप्टन ने विधानसभा वाइस बैठ के जनसभाएं करने शुरू कर दी थी, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। हिसार लोकसभा से कैप्टन की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर सियासी खेल खेला गया। जातीय समीकरण, चौटाला परिवार का बड़ा नाम, जीत की गारंटी और पता नहीं क्या क्या शिगुफे छोड़कर कैप्टन की टिकट काट दी गई। हालांकि ये बात अलग है कि कैप्टन को खत्म करने का प्रयास करने वाले अब खुद ही सीन से गायब हो चुके हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु को दूसरे दलों से ज्यादा नुकसान तो उनके अपने ही लोगों ने पहुंचाया है।
राजनीतिक पंडित साफ साफ कहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए पिछले 9 साल में नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, रोज उन्हें नए चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। ऐसे में देखना यह है कि नारनौंद की जनता अपने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकालकर खुद को एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति का कप्तान साबित करती है या नहीं। इस बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और इसी तरीके की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी विग न्यूज। नमस्कार।